आजकल हम कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड आत्मा हूं, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड. जो आई एम स्ट्रेस्ड बोलेगा उसके भाग्य में आगे स्ट्रेस ही स्ट्रेस होना है. बोलते जा रहे हैं ना, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम बिजी. आप में से कोई बिजी? कोई बिजी? इस शब्द को भी दान पेटी में डाल के जाना, बहुत ही लो वाइब्रेशन का शब्द है. आई एम बिजी, आई एम बिजी, कभी नहीं आई एम बिजी. आई एम कैसा? ईजी. तो ये हमारा मॉर्निंग संकल्प होता है पूरे दिन के लिए. आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम ईजी, आई एक्सेप्ट ईच वन एज दे आर. मैं हर एक को वो जैसा है वैसा स्वीकार करती हूँ. मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए. कर सकते हैं संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए? पहले सोच लो, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ताकि सारा दिन किसी के आगे ऐसे नहीं खड़ा होना पड़ेगा. रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, अप्रिशिएट करो, कहना मानो. नहीं, हमें सबको सिर्फ, हमें मांगना नहीं है, हमें सबको सिर्फ क्या करना है? देना है, देना है, देना. क्यों? क्योंकि हम सत्युगी आत्मा है. सत्युगी आत्मा, डिवाइन आत्मा, हाथ कैसे होता है हमेशा? ऐसा. कलयुग में ऐसा, सत्युग में ऐसा. हम कौन सी आत्मा? तो सुबह का ये संकल्प, वन मोर, मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ, मैं सत्युगी डिवाइन आत्मा हूँ. ये थॉट क्रिएट करते ही सर्कल क्या हो जाएगा? ये थॉट क्रिएट करते ही सर्कल क्या हो जाएगा? वाइट. आई एम अ सत्युगी डिवाइन सोल, आई नीड नथिंग फ्रॉम एनीवन. मेरा शरीर परफेक्ट हेल्दी है. जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे. संकल्प से सृष्टि बनती है. जितना सोचेंगे मैं बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई है, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी बैक एक हो रही है, बढ़ता जाएगा. क्योंकि यहाँ से इंस्ट्रक्शन यहाँ जा रहा है. क्या संकल्प दुआ देंगे अपने शरीर को? आई एम परफेक्ट एंड हेल्दी. मेरा परिवार कैसा है? मेरा परिवार कैसा है? मेरा परिवार, मेरा परिवार यूनाइटेड है. मेरा परिवार यूनाइटेड है. नहीं तो आजकल बहुत लोग अकेले रहने में हैप्पी हैं. तो ध्यान से दुआ देना. वरदान बड़े ध्यान से देना पड़ता है, क्योंकि वरदान सिद्ध होते हैं. तो मेरा परिवार कैसा है? यूनाइटेड है. हम एक दूसरे को प्यार और सम्मान देते हैं. हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं. ये नहीं थॉट क्रिएट करनी, मेरी इनसे बनती नहीं, सिद्ध हो जाएगा. संकल्प से सृष्टि बनती है, ये इक्वेशन लेके जानी है. मालूम थी इक्वेशन, अब इक्वेशन को, इक्वेशन तो पहले से मालूम थी, अब उस इक्वेशन को यूज़ करना है. कुछ ऐसा गलती से भी नहीं सोचना जो चाहते नहीं कि रियलिटी में हो जाए. सोच के सोचना, बचपन से सीखा था सोच के बोलना. परमात्मा ने कहा सोच के सोचना कि क्या ये चीज़ सोचने लायक है. क्योंकि कर्म बोल में नहीं, कर्म सोच में बनता है. और जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा, जैसा मेरा कर्म वैसा मेरा भाग्य. काम के लिए क्या दुआ करेंगे? वर्क, अपना वर्क, उसके लिए क्या ब्लेसिंग क्रिएट करेंगे? अपने संस्कारों के लिए क्रिएट किया,
अपनी सेहत के लिए क्रिएट किया, अपने फैमिली के लिए क्रिएट किया, वर्क के लिए क्या क्रिएट करेंगे, सबकी दुआएं मिलेंगी। और आज पूरा दिन, क्योंकि सुबह का संकल्प है ना, भाग्य लिख रहे हैं अपना, नहीं तो अखबार में अपना भाग्य पढ़ते हैं दिन का, हम अखबार में भाग्य पढ़ते नहीं, हम क्या करते हैं, हम भाग्य पढ़ते नहीं अपना, हम भाग्य किसी से पूछेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपनी चॉइस का भाग्य सुबह सुबह डिसाइड करके सारा दिन में उसको बनाते हैं। अखबार में तो लिखा होगा आज आपका किसी के साथ झगड़ा होने वाला है, तो सुबह सुबह ही भर लेंगे, ओहो आज तो कोई तंग करने वाला है, तो पक्का आएगा वो। फिर इन्फॉर्मेशन डेस्टिनी की बाहर से नहीं लेनी है, बाहर से नहीं लेनी है, डेस्टिनी यहाँ क्रिएट होती है। मेरा कर्म मेरा भाग्य और मेरी सोच मेरा कर्म है, तो मेरी सोच से मेरा भाग्य बनता है, ध्यान से सोचना है। आज का सारा दिन काम के लिए अपने, आज का सारा दिन मैं परमात्मा की सेवा पर हूँ, आज का सारा दिन मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट उसकी सेवा पर हूँ। हर आत्मा आज जो मुझसे मिलेगी उसको मुझसे सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। कर सकते हैं थॉट, सिर्फ थॉट करनी है और कुछ नहीं करना, अभी थॉट क्रिएट करनी है सिर्फ। कर सकते हैं एक थॉट, कर सकते हैं, क्या थॉट है इकट्ठे मिलकर बोले, आज सारा दिन मैं परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट उसकी सेवा पर हूँ, आज हर एक जो मुझसे मिलेगा उसको मुझसे क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, हर एक आत्मा मुझसे संतुष्ट होगी। एंड सबसे पावरफुल ब्लेसिंग, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। हैं हम दुनिया में लोग फरिश्तों को ढूंढ रहे हैं, एक है फरिश्तों को ढूंढना और एक है खुद फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब क्या, फरिश्ता मतलब जो सारा दिन लाइट रहेगा।